आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने शनिवार को प्रदेश के कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के खाली पदों को लेकर खट्टर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी खट्टर सरकार को जवाब तलब किया है। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार ने हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करके काम किया है। स्कूली शिक्षा व्यवस्था के साथ उच्चतर शिक्षा भी बद से बदतर होती जा रही है। पिछले 4 साल से कॉलेजों में कोई भर्ती नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार में प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त हजारों युवा नौकरी के इंतजार में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2019 से कॉलेजों में कोई भर्ती नहीं हुई है। 4,700 से ज़्यादा टीचिंग स्टाफ के पद खाली हैं। वहीं हरियाणा के स्कूलों की भी यही हालत है। 36,000 से ज़्यादा टीचिंग स्टाफ के पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के PhD और नेट पास आउट की उम्र निकलती जा रही है, लेकिन खट्टर सरकार का हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की कोई योजना नहीं है। प्रदेश में आलम यह है कि युवाओं ने अब विदेशों का रुख करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार में प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि युवाओं को अपना भविष्य धूमिल नजर आने लगा है। बेरोजगारी के कारण युवा अपराधों में भी संलिप्त हो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर से सवाल पूछते हुए कहा कि खट्टर सरकार कॉलेजों और स्कूलों में टीचिंग स्टाफ की भर्तियां क्यों नहीं निकाल रही है? हरियाणा सरकार का बजट कहां खर्च हो रहा है? क्या मंत्रियों के ऐशो आराम पर बजट खर्च किया होता है? देश में सबसे खराब शिक्षा व्यवस्था हरियाणा की बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार की कार्यशैली से लग रहा है कि इनकी युवाओं को रोजगार देने की कोई नीयत नहीं है। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है दिनों दिन। पिछले 4.5 साल में खट्टर सरकार ने हरियाणा के कॉलेजेस के अंदर एक भी टीचिंग स्टाफ की भर्ती नहीं की है। कुल मिलाकर देखें तो 4700 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के, लेक्चरर के, टीचिंग स्टाफ के पद खाली हैं हरियाणा के कॉलेजेस के अंदर, और कुल 8100 पद हैं पूरे हरियाणा के कॉलेजेस के अंदर। यानी 60% के आसपास हरियाणा के सरकारी कॉलेजेस में टीचिंग स्टाफ के पद खाली हैं। तो फिर पढ़ाई क्या होगी इन कॉलेजेस के अंदर? बच्चों का भविष्य क्या होगा जो यहाँ से पढ़ करके निकलेंगे? 4.5 साल यानी जब से खट्टर सरकार 2019 में बनी है दूसरी बार, तब से एक भी भर्ती कॉलेजेस के अंदर नहीं की है। ये दिखाता है कि खट्टर सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा व्यवस्था आती ही नहीं। हरियाणा के स्कूलों का और भी बुरा हाल है, कॉलेजेस से भी बुरा हाल है। 36,000 टीचिंग स्टाफ के पद जो हैं वो हरियाणा के स्कूलों में खाली पड़े हुए हैं। कोई भर्ती हरियाणा सरकार नहीं निकाल रही है हरियाणा के स्कूलों में टीचर्स के लिए, हरियाणा के कॉलेजेस में टीचिंग स्टाफ के लिए। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था बद से बदतर दिनों दिन होती जा रही है। खट्टर साहब, हरियाणा के कॉलेजेस में गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं, कुछ कुछ सालों से काम कर रहे हैं, 8 साल 9 साल 10 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। इनको रेगुलराइज क्यों नहीं कर देते? ये पोस्ट भर जाएंगी, बच्चों का भी भला हो जाएगा। जो खाली पड़ी पोस्ट हैं जहाँ पे गेस्ट टीचर्स भी नहीं है, वहाँ पे भर्ती के लिए क्यों नहीं निकालते इन पोस्ट को? लाखों करोड़ रुपया जो हरियाणा सरकार का बजट है वो कहाँ जाता है, कहाँ खर्च होता है? क्या वो आपके ऐशो आराम पे, आपके मंत्रियों के ऐशो आराम के लिए वो सारा पैसा है टैक्स का, हरियाणा के लोगों का? क्या हरियाणा के स्कूलों में टीचिंग स्टाफ की भर्ती नहीं होनी चाहिए? हरियाणा के कॉलेजेस में टीचिंग स्टाफ की भर्ती नहीं होनी चाहिए? बेरोजगारी में आपने हरियाणा को नंबर 1 बना दिया, क्राइम में आप हरियाणा को नंबर 1 बनाते जा रहे हो, और स्कूलों की बदहाली में भी क्या पूरे देश के अंदर सबसे खराब शिक्षा व्यवस्था हरियाणा के अंदर बना के मानोगे? कोर्ट से भी आपको फटकार लग चुकी है कि क्यों नहीं भरते इन खाली पदों को, क्यों अभी तक पोस्ट नहीं निकाली है? हरियाणा के कॉलेजेस के अंदर, हरियाणा के स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे शिक्षकों की ज़रूरत है। जो भी खाली पड़े हुए पद हैं उनके लिए भर्ती निकालिए, जहां पर गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं उनको रेगुलराइज करने का एक प्रोसेस बनाइए, एक तरीका निकालिए, और उन सभी को रेगुलराइज करके कम से कम स्कूलों और कॉलेजेस में जो टीचिंग स्टाफ है उनको अच्छे से भर्ती कीजिए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।